अस्सलाम वालेकुम ग्रेट वन, सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों की इस्लामियात की टीचर सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस बनवा। आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं और उसके साथ हम लोग कल वाले लेक्चर को रिवाइज भी करेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अल्लाह ताला के नाम। और हमने कहा था कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं और उनको हम अस्माउल हुस्ना कहते हैं। यहाँ तक तो सबको याद होगा। उसके बाद हमने अल्लाह ताला की 3 नाम पढ़े थे, अर्रहमानु, अर्रहीमु, अल्मालिक। और मैंने बोला था कि आप लोग वो नाम याद करके आएंगे, तो आप सबको याद है। गुड। सबसे पहले अपनी मामा को ये सुनाएं और उसके बाद अगला लेसन देखें। आज हम पढ़ेंगे अल खालिकु। अल खालिकु का मतलब होता है पैदा करने वाला। और उसके साथ दूसरा नाम है अर्ज़ाकु। अर्ज़ाकु का मतलब होता है वेरी गुड, इसके नाम से ही पता चल रहा है, सबकी जरूरतें पूरी करने वाला। तो प्यारे बच्चों, हम सबकी जरूरतें कौन पूरी करता है? अल्लाह ताला। और हमें पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। तो आज आप ये दोनों नाम जबानी याद करेंगे और इसके मायने भी याद करेंगे। उसके बाद आप लोग अपनी किताबें खोलेंगे, यहाँ पर दिन और तारीख लिखेंगे। और आज हम लोग ये दो नाम याद करने वाले हैं, अल खालिकु पैदा करने वाला, अल रज़ाकु सबकी जरूरतें पैदा पूरी करने वाला। इसको याद करने के बाद आप लोग अगले सफ़े पे आएंगे और यहाँ पर दिन और तारीख लिखेंगे। सवाल नंबर 2 है, अल्लाह ताला के नामों को उनके दुरुस्त मायने से मिलाएं। हमने तो 5 के 5 नाम याद कर लिए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको मैच करेंगे। अर्रहमानु का क्या मतलब होता है? वेरी गुड। अर्रहमानु सबसे बड़ा मेहरबान। अर्रहीमु निहायत रहम करने वाला। अल मालिकू क्या होता है? सबसे बड़ा मेहरबान। वो तो हो चुके हैं, सबकी जरूरतें पूरी करने वाला बिल्कुल भी नहीं, बादशाह। वेरी गुड। अल मालिकू बादशाह। अल खालिकू पैदा करने वाला। और अर्रज़ाकू सबकी जरूरतें पूरी करने। इसको आप स्केल के साथ मैच करेंगे और उसके बाद आप लोग अपनी नोटबुक्स खोलेंगे, दिन लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, घर का काम करेंगे और टॉपिक होगा इमला। और इमला का पहला लफ्ज है पैदा, दूसरा लफ्ज है जरूरतें और आखिरी लफ्ज है पूरी। प्यारे बच्चों, पूरे सफ़े पे इसकी मश्क करनी है, इसको ज़बानी याद करना है और रफ रजिस्टर पर ज़बानी लिखना है। और उसके बाद अल्लाह ताला के नाम को आप लोगों ने लाजमी याद करना है और अपनी मामा को सुनाना है और उसके मायने भी याद करने हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने सबक नंबर 2 ख़त्म कर लिया है, तो आप लोग इस पूरे सबक की मश्क करेंगे और इसको ज़बानी याद करेंगे ताकि आप लोगों की असेसमेंट अच्छी हो सके। सो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।